नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की पढ़ाई की। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जिस समय परीक्षा आती है तो उस समय वह बीमार पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो उपाय जो करने से बच्चों की बीमारी तो सही होगी ही, उसके साथ साथ उनको परीक्षा में भी सफलता मिलेगी। ये पहले जानते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाई में बाधा आती है वह किस ग्रह की वजह से आती है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है, वीक है, या फिर उसको फुल शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाई में बाधा देखने को मिलती है। अब इसका क्या उपाय है, क्या करें, आइए जानते हैं उपाय। बच्चों को क्या करना है, बच्चों को बृहस्पति वार वाले दिन 6 केले शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। बच्चे इसको खुद ही चढ़ाएं तो बेहतर है। बच्चों को, जैसे बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो वह सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है तो वह शिवलिंग पे नहीं चढ़ा पाते हैं, तो इससे घबराएं नहीं। जब वह वापिस आए तो 4 बजे से पहले पहले ये कार्य कर दें। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी उनके काफी अच्छे आते हैं, लेकिन ठीक एग्जाम से पहले वह बीमार पड़ जाते हैं। कारण, कभी उनको पेट दर्द हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, या फिर कई कई बार एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो अब ऐसे बच्चों को क्या उपाय करने चाहिए, उन्हें अपने घर में आने वाले गेस्ट जो हैं उनको पानी पिलाना है। जी हाँ, सही सुना, गेस्ट जो आपके घर में आते हैं स्टूडेंट्स को, उन्हें पानी पिलाना है। वह उनको कोई भी मिल्क से बनी हुई, जैसे खोया, खोए की मिठाई होती है, वह जो है गेस्ट को ऑफर करें। इससे भी जो है उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और वो बीमार कम पड़ेंगे। थोड़ा टाइम गेस्ट के साथ बात करें, 5 मिनट ही सही, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है, इसलिए 5 मिनट एटलीस्ट अपने घर में आने वाले गेस्ट से जरूर बात करें। इससे जो है आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो विद्यार्थी जो है जा रहे होते हैं उनको वह बीमार पड़ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने से पहले वह बीमार पड़ जाते हैं। सब प्रिपरेशन होने के बाद बीमार पड़ जाने की वजह से उनका मोरल जो होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो अब ऐसे में वो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वह अपनी माता से एक चांदी की ठोस गोली बनवा लें और वह उसको गिफ्ट में ले लें। इसे वह अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं या फिर अपने लॉकेट बनाकर उसको चांदी की चेन में भी डाल सकते हैं। ये आपको सोमवार को, बृहस्पतिवार को या फिर शुक्रवार को ही करना है। आप पढ़ाई में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए उसके लिए आपको किसी बुजुर्ग को भोजन करवाना है, और यह आपको कब करवाना है, बृहस्पतिवार वाले दिन। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी बेटर रहेगी। जो बृहस्पति हैं उन्हें गुरु भी कहा जाता है, तो गुरु को अगर बेटर करना है तो आप अपने गुरु वार वाले दिन, बृहस्पति वार वाले दिन, किसी भी गुरु से रिलेटेड या फिर टीचर के नाम से आप जो है उनके नाम का हफ्ते में एक बार दान कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी टीचर जो है उनके नाम का थोड़ा सा दान आपने थर्सडे को कर देना है। इससे आपका बृहस्पति बेटर होगा और जो भी बाधाएं आपको पढ़ाई से रिलेटेड आ रही हैं या फिर बीमारी से रिलेटेड आपके पढ़ाई में बाधा आ रही है वह दूर होने लगेगी। कई बार तो देखा जाता है कि बच्चे वैसे पूरा साल बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स में भी वो जो है जो सेमेस्टर्स होते हैं उसमें भी वह अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जब वह फाइनल में जाते हैं तो वह बीमार पड़ जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उनको हर दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। अब आपको यह सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाना है वह 2 घंटे के अंदर अंदर, सूर्य उदय होने से 2 घंटे के अंदर अंदर ही जल चढ़ाना है। साथ में आपको गायत्री मंत्र का सुबह और शाम 27 बार जाप करना है। यह करने से कॉन्सेंट्रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी ही होगी
और साथ में आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। इन छोटे छोटे उपायों को करने से आप अपने पढ़ाई में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, आप अच्छे से मार्क्स लेके आ पाएंगे, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो कोशिश करिए, छोटे छोटे उपायों को अपनाइए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। मैं आपको कल फिर मिलूंगी एक नए उपाय, एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।